काउंसिल की तरफ से अकाउंटेंसी के सिलेबस में कुछ चेंजेस को लेकर के क्लैरिफिकेशन है और लेटेस्ट अपडेट उससे रिलेटेड आया हुआ है तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जितने भी अकाउंट्स के बच्चे हैं उनको ये अपडेट बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कि है क्या इसमें लिखा क्या है यहाँ पे साफ तौर पे दिया गया है कि ये जो है इसमें है आई क्लास ट्वेल्थ अकाउंट सिलेबस क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग नॉन करंट असेट्स चेंज एप्लीकेबल फ्रॉम द एग्ज़ामिनेशन ईयर 2023 ऑनवर्ड्स याद रखिए ये एग्ज़ामिनेशन 2023 में भी अप्लाई होगा और उसके आगे भी अप्लाई होगा तो इसमें आगे बताया क्या गया है शेड्यूल थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ बीन एमेंडेड वेयर बाय 2013 का जो एक्ट है कंपनीज उसमें शेड्यूल थ्री को अमेंड करा गया है चेंज करा गया है क्या अमेंडमेंट्स में ध्यान से समझिए पहला पॉइंट इसमें है द सब हेड फिक्सड असेट्स अंडर नॉन करंट असेट्स ठीक है अभी बच्चे यहाँ तक मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स अभी तक उन्होंने आगे का कंपनी का पढ़ा नहीं है तो उनको ये चीज़ें मालूम नहीं हैं टीचर्स को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है बच्चे अभी इस चीज़ को बस अच्छे से देख लें अपने दिमाग में बैठा लें ताकि जब वो ये सारी चीज़ आगे चल कर के करें तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो तो कहता है कि ये जो फिक्स्ड असेट्स है होते हैं हमारे ठीक किस हेडिंग के अंदर आता है नॉन करंट असीट्स उसको नॉन करंट एसेट्स हटा करके अब क्या रहेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड टैंजिबल एसेट्स ठीक है टैंजिबल एसेट्स जो है सेकेंड पॉइंट अंडर फिक्स्ड एसेट्स इज रिप्लेस्ड बाय प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो ये टर्म्स को चेंज कर दिया गया है आगे क्या कहता है इन कीपिंग विद द रिविजन द प्रेजेंटेशन ऑफ सब हेड अंडर द हेड नॉन करंट असिट्स इन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द स्कोप ऑफ सिलेबस हैज ऑल्सो बीन मॉडिफाइड मतलब यह कहां कहां अप्लाई हो रहा है सिलेबस में पॉइंट नंबर वन सेक्शन ए में यूनिट टू डी जो कि आपका फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी है उसमें सेक्शन बी में यूनिट थ्री जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंपेरिटिव इन कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखिए बुक्स ऑलरेडी छप चुकी हैं क्लास ट्वेल्थ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बच्चों ने बुक्स खरीद ली है तो उसमें ऑलरेडी जो चीज़ था वो सब पुराना प्रिंट करा हुआ है अमेंडमेंट को उन्होंने शो नहीं किया होगा यहाँ पे ये चेंज करा गया है बहुत सी बुक्स में अगर हो सकता है शायद किया भी गया हो इस चीज़ के बारे में मैं कन्फर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि सारी बुक्स तो मैंने नहीं देखी हैं लेकिन मैं आप लोगों को यह कह सकता हूं कि काउंसिल ने अपनी तरफ से इस चीज को एकदम क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई देखिए यह पैटर्न फॉलो होना है कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बना रहे होंगे तब आपको ध्यान रखना होगा और रेशियो एनालिसिस जब आप कर रहे होंगे तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली द प्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट सब हेड फिक्सिट्स अंडर द हेड नॉन करेंट असेट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शाल बी हैंस फोर्थ अब आप शो कैसे करोगे देखिए पूरा इन्होंने शो करके बताया हुआ है क्या है ये कहता क्या है सबसे पहले यहां पे लिखा क्या गया नॉन करंट असेट्स उसके अंदर आपने कर दिया प्रॉपर्टीज प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल असेट्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इन टैंजिबल एसेट्स एंड अंडर डेवलपमेंट ठीक है तो देखिए अभी तो ये ऐसे आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और यहाँ पर फिर से ये चीज़ बताई गई है कि दिस इज़ फॉर दी दी अबव शैल कम इन टू एफेक्ट फ्राम एग्जामिनेशन ईयर ट्वेंटी थ्री ऑनवर्ड्स ठीक है तो ये तो था छोटा सा अपडेट जो कि सिर्फ अकाउंट्स जो बच्चे हैं उनके लिए था अगर आप काउंसिल की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये अपडेट Mil so that's it for just now. Keep watching, keep learning, keep sharing. Stay safe. Bye bye.